नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनाबा आश्रम से कवरेज। यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे जानते हैं कि इनकी कितनी आस्था, कितना विश्वास है आज डेरा सच्चा सौदा के साथ डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा के साथ। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? नमस्ते भाई, सचिन पाल, अयोध्या से आए हैं हम। अयोध्या से आए सर, आपका पूरा परिवार यहाँ पर? जी 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 जी। आज कितनी आस्था, कितना विश्वास लेकर सर आप यहाँ पर पहुँचे? अब अपनी आस्था यह है कि अंतिम सांस तक सदगुरु के चरणों में रहे। सर इतनी आस्था, इतना विश्वास क्यों करते हो आप संत जी के ऊपर? मतलब आपकी जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी उनके साथ खड़े हो आप? क्योंकि सतगुरु जी ने हमें जीने का सही ढंग सिखाया है, सच्चे और बुरे की पहचान पर बताई है, सही मार्ग पर परमार्थ मार्ग पर चलने का तरीका बताया है और चलाया भी है। क्या काम किए हैं संत जी ने, मतलब ऐसा क्या बताते हैं? सतगुरु जी ने मानवता भलाई के ऐसे कोई कार्य नहीं है जो ना किए हों, जैसे कि अपने स्वयं नौजवान समिति से हैं, अपने जो है सतगुरु जी के प्रेरणा से 25 बार रक्तदान कर चुके हैं जिससे कई लोगों की जिंदगियां बच चुकी हैं और कई लोगों को प्रेरित किए हैं। कई बार सड़कों पर लवारिस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की जान बचा कर उनको जो है वहाँ से उठा करके अस्पताल तक शिफ्ट करवाया है। कई बार सड़कों पर अपने मृत जानवरों को उनका अंतिम संस्कार भी किया है, सब गुरु जी की प्रेरणा से ही किया है। सर आजकल ऐसी लोगों में सोच नहीं रहती है, लोग किसी को बाल तक देना पसंद नहीं करता। आपके अंदर ऐसा जोश, मतलब कुछ दूसरों के लिए खून दान कर देना, ऐसी सोच कैसे आप लोगों के अंदर? सब सतगुरु जी के पावन वचनों से आता है, सतगुरु जी के मोटिवेशन से आता है। फायदा होता है सर संत जी के कहने से, जो लोग काम करते हैं जो भी, उनका समाज में फायदा हो रहा है लोगों? जी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं देखने को मिला हमें कि जहाँ सफलता ना मिली हो, हर जगह हम मानवता भलाई कार्य में अव्वल दर्जे पर आते हैं। जी मीडिया में तो काफी अलग दिखाया जा रहा था, उन सब खबरों के लिए क्या कहना चाहिए? मीडिया आज से लेकर किसी भी युग में जिस भी रूप में रही, चाहे आज प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या पहले केवल बोल भाषा में चलती थी, हमेशा ही सच्चे लोगों की बुराई ही दिखाई है, सच्चाई कभी मीडिया ने नहीं दिखाया है। वो चाहे त्रेता युग में भगवान राम के बारे में रहा हो, सीता जी के बारे में रहा हो, गौतम बुद्ध जी के बारे में रहा हो, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में रहा हो, ईसा मसीह जी के बारे में रहा हो, शिरडी साईं बाबा के बारे में रहा हो, नानक देव जी के बारे में, किसी के भी बारे में रहा हो, मीडिया ने हमेशा हमेशा सच्चे लोगों की बुराई ही की है। फिर जो सर संत जी के ऊपर आरोप लगाए गए उसके बारे में क्या? ऐसा आज तक कोई धरती पर संत नहीं हुआ जिस पर आरोप न लगाए गए हों। सच्चे संत की यही पहचान है, काल उनसे चिढ़ता है, बुराई उनसे चिढ़ती है, उनकी दुकानदारी कम होती है तो अनर्गल ऐसे आरोप लगाते रहते हैं। सर संत डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा के ऊपर ही क्यों लगाए गए हैं? क्योंकि ये इस समय पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में बुराई को हटाने के लिए सबसे ज्यादा सबसे प्रतिष्ठित संतों में से हैं। सर अब देखा जाए 4 साल से ज्यादा समय हो गया, उस तरीके से वो समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है उनके ना रहने से समाज? जी ये आप मीडिया के देखने में लग रहा है कि सतगुरु जी नहीं है, अब मैं अयोध्या से रहता हूँ, प्रभु श्री राम जी त्रेता युग से नहीं है, लोग अयोध्या क्यों जा रहे हैं? प्रभु श्री कृष्ण जी मथुरा में नहीं है इस समय, किसी को मिले हो कोई हमें बताए, हमको तो नहीं मिले, लोग मथुरा क्यों जा रहे हैं? तो प्रभु यहाँ सतगुरु जी यहाँ नहीं है, कौन कह रहा है? आस्था विश्वास है आज। जिनकी आस्था राम में है, राम को मिलने जा रहे हैं, वो वहाँ पा रहे राम को, हमको यहाँ रास्ता, हमारे यहाँ राम यहाँ मिलने है। भी उनकी जरूरत है इस समय सोसाइटी में उस तरीके से वापस आने की, उनके कार्यों को दोबारा चलाने की जरूरत है? जी उनके कार्यों को दोबारा चलाने की आप गलत बोल रहे हैं बहन जी, उनके कार्य चल रहे हैं हमेशा, बंद नहीं हुए, हमेशा चल रहे हैं, बंद नहीं हुए दोबारा, और उनकी तो जरूरत हमेशा ही रहेगी। क्यों जरूरत है सर उनकी? एक कहावत है कि आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, अगर सदगुरु जी न होते तो आज दुनिया का क्या हाल होता? क्या मांग करोगे आप सरकार से संत जी के? सरकार से हमें कोई मांग नहीं करना, कोई हमें कोई उम्मीद सरकार से, हमारे सदगुरु जी सच्ची सरकार है, जब मर्जी वो आ जाएंगे। जी आम जनता से क्या कहना चाहोगे? आम जनता ने जो भी देखा है वो मीडिया के द्वारा देखा है, उनके दिमाग में वही इमेज फिट है जो मीडिया में दिखाई जा रही है? आम जनता से हम हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, जो मीडिया ने दिखाया आपको, आप भले उन पर भरोसा करते हैं, आप स्वयं से डेरा सच्चा सौदा के किसी भी आश्रम में आकर के अपनी आंखों से देखिए, तब आपको सही गलत का पहचान होगा, दूध का दूध पानी का पानी आपको नजर आएगा। जी मैम आप क्या बताना चाहोगे, यहाँ पर आश्रम में जब आप आती हो तो कैसा लगता है आपको, सुरक्षा को लेकर माहौल कैसा लगता है? जी बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगा हो अनसिक्योर लगा हो, जहाँ कभी भी अलग तरीके का लगा हो? ना कभी नहीं, सब
बहुत अच्छा लगता है यहाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार दिखा रहे हैं हम आपको पब्लिक के साथ बातचीत, लगातार पब्लिक यही कह रही है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम झूठे हैं। संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान एक सच्चे संत हैं, एक सच्चे समाज सुधारक हैं, जिनके आंदोलन के तहत पूरे विश्व में कार्य चलते हैं। आप भी देखते रहिए ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।